तो आज हमारा टॉपिक जो है इसके अंदर टाइम एंड सेटिंग्स के हवाले से है, तो उसको देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ से हम आ गए पीछे, तो सेटिंग्स में आ गए थे और यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइम एंड लैंग्वेज। देखिए, टाइम एंड लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एडजस्टमेंट करने में। किस तरह की एडजस्टमेंट करने में? जैसे डेट एंड टाइम की एडजस्टमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कह रहा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसको ऑफ कर देंगे तो फिर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं खुद से अपना डेट एंड टाइम। अच्छा, ये फीचर और ये फीचर कैसे काम करते हैं इसको समझ लें। देखिए, अगर ये फीचर आप ऑन करते हैं तो फिर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो windows.time.com पर जाके वो जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं उसके हिसाब से टाइम और डेट खुद सेट कर लेगा, आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पे अभी आप यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और शाम को दुबई में चले जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और ये सेटिंग ऑन है तो आपका डेट और टाइम दुबई के हिसाब से सेट हो जाएगा। सही है? तो ये जैसे जैसे आप अपने इलाके को चेंज करते जाएंगे ये अपडेट ऑटो करता जाएगा, पर इट नीड्स इंटरनेट टू अपडेट। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप ये वाला ऑन कर लें अपना ये वाला फीचर और उस पर क्लिक कर दें चेंज टाइम पे, फिर आप अपने हिसाब से डेट और टाइम सेट कर लें। ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये टाइम, ये मिनट और ये AM/PM की सेटिंग कर लें। तो बहरहाल मेरे लिए तो यही सेट है। उसके बाद है सिंक नाउ। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे अभी आप ये आपने ऑटोमेटिक रखा हुआ है, कनेक्ट भी कर लिया लेकिन टाइम अपडेट नहीं हुआ, तो एक दफा आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट पे जाएगा server.times.windows.com और जिस इलाके में आप मौजूद हैं उसके हिसाब से डेट और टाइम आपका एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप अपनी डेट और टाइम की सेटिंग को ऐसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एडिशनल फीचर है एड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम। एड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम, आपके कुछ रिलेटिव दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अब आपको वहाँ का मालूम करना है टाइम जोन। क्या मालूम करना है? टाइम जोन। अब टाइम जोन कैसे मालूम करेंगे? अब ये तो अपने रिलेटिव से ही पूछ लें, लेकिन जैसे मुझे पता है कि अबू धाबी मस्कत का जो है वो ये है शो क्लॉक दिस, यहाँ पे पूरी दुनिया के टाइम जोन आ रहे हैं लिखे हुए, तो अबू धाबी मस्कत का मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ मैंने लिख दिया दुबई और इसको अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही अप्लाई कर दिया, उसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करने पर मुझे दोनों टाइम जोन यहाँ पे नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे बता रहा है कि दुबई में इस टाइम हो रहे हैं 9:53। ठीक है, और हमारे यहाँ हो रहे हैं 10:53। देख रहे हैं? इस तरह और भी आप एक और क्लॉक भी ऑन कर सकते हैं, मतलब दो क्लॉक की आपके पास गुंजाइश है। जैसे कि सेंट्रल टाइम यूएस कनाडा, तो कनाडा का मैंने ले लिया यहाँ से टाइम जोन। अब आपके पास मिसाल के तौर पे आपको पता नहीं चल रहा भाई अमेरिका का टाइम जोन क्या है। अब अमेरिका का टाइम जोन एक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 53 स्टेट्स हैं, तो आपको उन स्टेट में जहाँ पर आपके रिलेटिव रहते हैं उसका टाइम जोन लिख के लेना पड़ेगा। अब किसी के कोई रिलेटिव रहते हैं किसी स्टेट का नाम याद है किसी को? कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे कैलिफोर्निया, चलो सर्च करते हैं गूगल पे, चलते हैं गूगल पे, क्लिक करते हैं और गूगल पे क्लिक करके कहते हैं कैलिफोर्निया टाइम जोन राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसने कहा कि भाई टाइम इन कैलिफोर्निया, राइट नाउ नहीं टाइम जोन, बस पैसिफिक स्टैंडर्ड PST ड्यूरिंग स्टैंडर्ड टाइम एंड पैसिफिक डेलाइट PDT ड्यूरिंग डेलाइट टाइम जोन फॉर इन्फो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ही होना चाहिए इसका तो भाई, तो इसको हम यहाँ पर पैसिफिक डेलाइट टाइम, तो यहाँ पर हम सर्च करें ये हाँ बाजा कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख लेंगे कैलिफोर्निया। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आपको यहाँ पे तीन टाइम जोन नज़र आ रहे हैं कि भाई 10:55 रवाना वाना रात हो रही है, देख रहे हैं, और अभी वहाँ पर 18 जुलाई नहीं हुई, वहाँ 17 जुलाई आज। सही है, 17 जुलाई है वहाँ पे और रात हो रही है, अभी रात के क्या बज रहे हैं 10:55 हो रहे हैं, हमारे यहाँ दिन के 10:55 हो रहे हैं, 18 जुलाई है, 12 घंटे हम आगे उनसे। सही है, 12 घंटे बस हैं, है आगे, लेकिन बस इसमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आगे रखा है, बाकी सारे काबों में तो हम जबरदस्त तरीके से आगे जा रहे हैं। तो 9:56 जो है, हाँ 9:56 जो है दुबई में हो रहे हैं सुबह के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इसका फायदा क्या है भाई, आप अपने रिलेटिव यार जिससे बातचीत करनी है दोनों तीनों टाइम देख के बार बार दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे हम करते हैं ना यार उधर क्या टाइम हो रहा होगा ये हो रहा होगा टाइम हो। सही,
तो ये इस तरह से आप अच्छी सेटिंग इस पे कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट करने में आपको आसानी देगी, और जब चाहे ऑफ करना हो तो इनको यहाँ से और इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत आसान सी बात थी, कोई मुश्किल नहीं थी इसके अंदर, एक अच्छा फीचर है, हमें आना चाहिए। अच्छा, सेटिंग अप डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे, ये तो वैसे ही हम कर ही रहे हैं इसका। ठीक है, ओके, अब आ जाए नीचे रीजन के ऊपर। रीजन जिस इलाके में आप रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो अपना रीजन आप पाकिस्तान रखेंगे, ओमान में रह रहे हैं तो ओमान रखेंगे, फलस्तीन में रह रहे हैं, पनामा में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं वो आप उसका वहाँ पे कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, उसके हिसाब से करेंसी डेट टाइम लिखने का तरीका फिर वो उस हिसाब से सेट कर देगा। ठीक है, तो ये लाजमी सेट करना है अपना रीजन, हाँ जिनके भी सेट नहीं है। फिर करंट फॉर्मेट इंग्लिश पाकिस्तान, अब इंग्लिश बहुत सारी है, नीरो, न्यूजीलैंड, आपने यहाँ पे लेना है इंग्लिश पाकिस्तान। जब आपका नया विंडो इंस्टॉल होता है ना तो उसमें ये चीज़ें होती नहीं है, ये आपको सेट करनी पड़ती है, उससे फिर आपका जो सेटअप है वो पाकिस्तान के हिसाब से सेट हो जाएगा। मतलब आपका फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे हो जाएगा, शॉर्ट डेट 18 जुलाई 2024 ऐसे दिखाएगा, लॉन्ग डेट आपको इस तरह से दिखाई देगी, शॉर्ट टाइम ऐसे दिखाई देगा, लॉन्ग टाइम ऐसे दिखाई देगा। इसको भी चेंज करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डे ऑफ वीक हमारा संडे नहीं है, फ्राइडे है, तो वो ले सकते हैं। कैलेंडर हम कौन सा यूज़ करते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर ही सब यूज़ कर रहे हैं। डेट शॉर्ट डेट कैसे दिखाए, मतलब 5/4/2017 दिखाए या 5 अप्रैल 2017 दिखाए। लॉन्ग डेट कैसे दिखाए, जैसे 5 अप्रैल 2017 दिखाए, वेडनेसडे 5 अप्रैल 2017 दिखाए, इस तरह से। शॉर्ट टाइम 9:40 AM दिखाए या फिर लॉन्ग टाइम 24 घंटे के हिसाब से दिखाए जो होता है। तो ये सारी डेट टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फिर वो आपको यहाँ पे उस तरह से नजर आएगा जैसे हम अपनी सेटिंग करेंगे। सही है, उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग्स पर आ जाएं। लैंग्वेज सेटिंग्स में ये है कि आप नॉर्मली तो हम इंग्लिश ही यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हम सिलेक्ट रखेंगे, और अगर हमें दूसरी लैंग्वेजेस ऐड करानी है तो वहाँ ऐड लैंग्वेज में जाके हम वो भी इसमें ऐड करा सकते हैं। अब दुनिया की लैंग्वेजेस हमें आती ही नहीं आती है, वो एक अलग मसला है। बहरहाल अभी आप जाके उर्दू और सिंधी जब टाइपिंग सीखेंगे तो वो भी यहीं से ही चेंज हो रही होंगी, सेट हो रही होंगी, वो यहाँ पर ही ऐड हो रही होती है, और यहीं से उनको रिमूव भी कराया जा सकता है। सही है, ऐड लैंग्वेजेस यहाँ से किया जा सकता है और उनको रिमूव भी यहाँ से किया जा सकता है, ये ध्यान में रखनी है अपने पास। स्पीच में आ जाए, अगर इसको कुछ पढ़ के आपने इससे सुनना है कि आपको कैसे पढ़ के सुना है, तो प्रीव्यू वॉइस पे क्लिक कर किस आवाज में सुनना चाहते हैं। You have selected Microsoft David as the default voice. बहरहाल ये इसी से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स थी, इसके कोई खास यूटिलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं गेमिंग बार की तरफ। ठीक है,